शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। झारखंड जो है इसकी प्रकृति है काफी सुंदर है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों के हाथों में जो कला है, जो हुनर है, उसको अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो सहसा आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या यहाँ की महिलाएं इतनी हुनरबाज हैं। मेरे पीछे जो भी आप कलाकृति देख रहे हैं और जो महिलाओं को देख रहे हैं, दोनों का आपस में संबंध है। जो पीछे की कलाकृतियाँ हैं वह इन्हीं महिलाओं ने बनाई है अपने ही हाथों से। और यह भी बात है कि पहले इनको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक प्रेरक आई, उन्होंने सिखाया, बताया, इनकी ज़रूरत को समझा, और आज के समय में इन्होंने लकड़ी की कलाकारी में महारत हासिल कर ली है। और इनकी कलाकृति में आपको झारखंड की महक, झारखंड की झलक साफ से दिखेगी। तो आज के अंक में देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपने हाथ के हुनर से अपने आप को सशक्त किया है, साथ ही झारखंड की संस्कृति को देश और विदेश तक भी पहुँचाया है। हमारे साथ कुछ छोटी बच्चियाँ भी हैं जो कि इस काम को कर रही हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इस काम को देखा, समझा, अपनाया और क्या इसमें इनको इनका भविष्य नजर आता है। झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य के नजारों के बीच लकड़ियों पर उकेटी गई ये कलाकृतियां बेजोड़ नमूने हैं हस्तशिल्प के। इनमें घरेलू सजावटी सामान से लेकर गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, धरती आबा बिरसा मुंडा तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की आकृतियां भी मौजूद हैं। ये कलाकृतियां न सिर्फ बच्चों को लुभाती हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। इन कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये यहाँ की स्थानीय महिलाओं के हाथों की जादूगरी है। हस्तशिल्प वस्तुतः ऐसी कलाकृतियाँ होती हैं जो हाथों से अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से तथा सरल औजारों से निर्मित की जाती हैं। अपने प्रदेश के लोगों को हस्तशिल्प निर्माण में महारत हासिल है। यहाँ के कलाकारों ने मिट्टी, घास, बांस तथा लकड़ियां आदि का इस्तेमाल कर हस्तशिल्प के कई उत्कृष्ट नमूने यहाँ के लोगों को प्रदान किया है। इतना ही नहीं, इन कलाकृतियों के माध्यम से इन लोगों ने अपनी आजीविका तक चलाई है। पिछले कुछ वर्षों से आधुनिक कलाकृतियों के सामने इनकी ये कलाकृतियां फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। अतः ऐसे में उत्पल पीपल ट्री नामक गैर सरकारी संस्था इन कलाकृतियों को पुनर्जीवित कर झारखंड की महिलाओं को इससे जोड़ने का कार्य कर रही है। इसके माध्यम से ये संस्था उन्हें न सिर्फ अपनी कला और संस्कृति को संजोना सिखा रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बना रही है। धन्यवाद सर। घाटशिला जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर से आपका 35 किलोमीटर के दूरी पे है घाटशिला, जहाँ पे आपका कॉलेज रोड के आसपास है। उनका फाउंडर है आपका उत्पल शाह जी, जिन्होंने शुरू किए थे। सबसे पहले जब शुरू किए थे तो सर दो ही महिलाएं थी, मतलब गांव की। उसमें उतने लोग जो है आ,
आर्ट को उतना नहीं समझ पाते थे। तो फिर वैसे करते करते सर हम फैल गया बात कि यहाँ पे काम चल रहा है, फिर हम लोग देखने गए, इस हिसाब से फिर हम लोग जुड़ने लगे सर। सर मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ और मैं 7 साल से जुड़ी हुई हूँ इसमें, और 7 साल में जो भी मैंने पाया, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, अभी हाल ही में जो है वो क्लास टॉपर की है मैट्रिक पे। तो सर मुझे ये लगता है कि हर किसी को, हर महिलाओं को जो है हाथ का हुनर जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास जब मैं पीपल ट्री से जब जुड़ रही थी तो मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ करूँ। तो सर मुझे लगता है कि हर कुछ ना कुछ जो है, चाहे वुडन क्राफ्ट ही क्यों ना हो या कुछ कुछ भी हो, हाथ का हुनर सीखना बहुत जरूरी है सर। उत्पल पीपल ट्री के संस्थापक उत्पल शाह ने झारखंड प्रदेश के गांव में रह रही महिलाओं की जिंदगी को काफी करीब से देखा है। वे उनके दुख तकलीफों से अच्छी तरह से परिचित हैं। वे अच्छी तरह से समझते हैं कि गांवों में पुरुषों की आमदनी काफी कम होती है, ऐसे में गृहस्थी चलाने वाली महिलाओं के हाथों में अपने लिए पैसे बामुश्किल बचते हैं। अतः इनके हाथों में रोजगार हो और ये स्वयं भी आमदनी प्राप्त कर सके, इस सोच के साथ उत्पल शाह ने यहाँ की महिलाओं को हस्तशिल्प के रोजगार से जोड़ा है। सर महिलाओं के पीछे काम करने का कारण ये है कि जब सर विजिट, मतलब सर का सर जो है वो दिल्ली में पढ़े हुए हैं, जब वहाँ से विजिट करने जब गांव घर में जाते थे तो उन्होंने सबसे पहले यही देखा कि गांव की महिलाएं जो है जैसे छोटे बच्चे को लेके कहीं जा नहीं पाते थे, उनका जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती थी। वो हमेशा जब भी आते थे तो वो गाँव ही उनको बहुत अच्छा लगता था, अच्छा लगता अभी जो कि विजिट करते हैं। तो यही उन्होंने पाया कि मैं जब पढ़ ही रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ, तो इस वजह से उनका यही दिमाग में आया कि नहीं, महिलाओं को सबसे पहले जो है, क्योंकि घर भी चलाती है सर, महिलाएं घर भी चलाती है, अपना मतलब पूरा परिवार को चलाती है, तो उनका अगर इच्छा भी पूरा नहीं होता है, हो पाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं गाँव में बहुत कम इनकम होता है हस्बैंड का, तो अपना खुद का जो इच्छा है उसको मार के वो अपना परिवार को चलाती है। तो हम लोग सर का सोचना ये था कि क्यों ना हम लोग महिलाओं को लेके काम करें और उनको आगे बढ़ाए, 2 पैसा बहुत बड़ा तो नहीं सर, लेकिन छोटा सा एक सपना हम लोग दिखा पाए कि नहीं, मेरे पास कम से कम 1000 रुपीज़ तो है जो कि मैं अपने 500 रुपीज़ जो है अपने परिवार के लिए या 200 रुपीज़ मैं अपने लिए रखूँगी, इस हिसाब से सर ने सोच के फिर हम लोग शुरू किए सर। उत्पल पीपल ट्री संस्था द्वारा प्रोत्साहन पाकर आज झारखंड की कई महिलाएं हस्तशिल्प के इस कार्य में निपुण हो चुकी हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के टालाटांड ग्राम की महिलाएं भी इसका प्रशिक्षण हासिल कर लकड़ियों को तराश खराद कर उन्हें बाजार में बिकने का सामान बना रही हैं। हस्तशिल्प की इनकी अपनी ही शैली है, ये कलाकृतियां बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। ये संस्था द्वारा कागज पर दी गई डिजाइन को अपने हाथों और छोटे छोटे यंत्रों का सहारा लेकर हूबहू लकड़ियों पर उकेट देती है। जब ये कलाकृतियाँ पूर्णतः तैयार होकर दुकानों में सजती हैं, तो ये अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। सर डिजाइन तो एक डिजाइनर रहते हैं, तो सबका बस का तो बात है नहीं डिजाइन ड्रॉ करने के लिए, तो सर एक डिजाइनर है प्लस सर भी हैं, तो वहाँ से डिजाइन बन के आता है और दीदी लोग का हाथ में दिया जाता है, जो कि आप देख ही रहे हैं, डिजाइन दे देते हैं कि हमें इतना पीस बनाना है। और शुरू में तो सर हम लोग 10 से 15 या 1 महीना का ट्रेनिंग देते हैं इन लोग को, ताकि उन लोग का हाथ फ्री हो सके, क्योंकि शुरू में अगर अचानक से हम दे देंगे तो वो उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके से कटिंग होगा, कैसे क्या होगा, या डिज़ाइन को कहां से कहां कैसे लेके जाएंगे, घुमाने में फिर दिक्कत होगी। तो सर पहले डिज़ाइन होता है, उसके बाद फिर लकड़ी पर हम लोग पेस्ट करते हैं, ड्रिल होता है, फिर आउटलेट जो है बाहर का जो है कटिंग वो करते हैं, फिर अंदर का जो ड्रिल है सर वो निकालते हैं, उसके बाद फिर ग्राइंडिंग मशीन है जो अगर छोटा है तो फिर उसको हम लोग हाथ से सैंडिंग पेपर जो आप देख ही रहे हैं उस पर हम लोग घिसते हैं, और नहीं अगर बड़ा है जैसे ये इतना बड़ा है प्रोडक्ट तो उसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन है उससे हम लोग घिसते हैं, उसके बाद हाथ से सर फिर हम लोग साइड का जो कोर है उसको पूरा फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट होता है पॉलिश। इन कलाकृतियों को बनाने में ये महिलाएं स्थानीय लकड़ियों का ही सहारा लेती हैं। ये गम्हार तथा सागवन जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। ये इन्हें आसानी से किसी भी लकड़ी की दुकान में उपलब्ध हो जाती है।
फिर ये लकड़ियाँ भी काफी मुलायम होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें तराश कर परिष्कृत करना काफी आसान हो जाता है। सर, हमारा लकड़ी जो है लोकल ही लकड़ी है, ज़्यादा मतलब बाहर से तो आता नहीं है लोकल लकड़ी, जैसे आपके गम्हार है जो लोकल में मिल जाता है अगल बगल में, और एक है आपका टीकूट जिसको हम लोग सागवान भी बोलते हैं, जो प्लाईवुड के दुकान पे भी आसानी से उपलब्ध है। तो सर, हम लोग उसी लकड़ी को इसलिए चुने हैं क्योंकि वो आसानी से, ब्लेड तो आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी पतला है, बाल से थोड़ा सा मोटा है सर, तो आसानी से वो कट भी जाता है, और जब हम ड्रिल भी करते हैं अंदर का जो भाग है वो भी आसानी से वो निकल जाता है। जब उत्पल पीपल ट्री संस्था की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त इस संस्था से सिर्फ 2 महिलाएं ही जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे यहाँ की महिलाओं में जागरूकता आई, वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई। आज रामगढ़ जिले के मात्र 6 प्रखंडों से लगभग 500 महिलाओं ने हस्तशिल्प के इस कार्य को अपनाया है। सर, शुरू तो हमने पूरा 6 ब्लॉक, रामगढ़ के 6 ब्लॉक में ही हमने ट्रेनिंग किया हुआ है, बट सब महिलाएं जो है घर पे ही काम कर रहे हैं, बहुत नहीं है बट है, घर में भी काम कर रहे हैं। यहाँ जैसे आपका तलाटर पंचायत भवन में जो है ये अलॉटमेंट मतलब मैडम ही करके गए हैं कि यहाँ पे अभी फिलहाल सर 15 है, अगर 6 ब्लॉक अगर ये करते हैं तो सर आपका 400-500 के आसपास। ये महिलाएं जिनके पास कल तक खुद की किसी तरह की आमदनी नहीं थी, आज ये इस कला के माध्यम से महीने में कम से कम 3,000 रुपए तक की आमदनी तो कर ही लेती हैं। सर, घर में अगर काम करे तो आपका 3,000 से 4,000 या 5,000 के आसपास आपका इनकम हो पाएगा, क्योंकि सर घर को भी देखना होता है और पर पीस का हिसाब से उसमें काम करती है, और यहाँ वर्कशॉप पे अगर जो भी काम करते हैं तो मंथली के हिसाब से वो पहले ही हम लोग बात करते हैं कि किस हिसाब से उनका हाथ फ्री हुआ है या नहीं हुआ है, कितना सिखाना है उनको, कितना नहीं सिखाना है, ये हम लोग पहले ही सिखा के फिर हम लोग तय करते हैं सर। तो 3,000 के आसपास जो है शुरुआत और ऊपर ही जाता है। तालाटांड ग्राम की ममता देवी ने भी उत्पल पीपल ट्री की महिलाओं के कार्यों से आकर्षित होकर स्वयं को हस्तशिल्प के इस कार्य से जोड़ा है। इन्हें पहले से इस कार्य का कोई अनुभव नहीं था। यहाँ 1 महीने भर के प्रशिक्षण में तपने के बाद आज ये इन कलाकृतियों को बनाने में माहिर हो गई हैं। मैं यहाँ पर आती थी खेतों में काम करने के लिए, तो दीदी सबको यहाँ देखते थे काम करते हुए। ये कटिंग दीदी लोग यहाँ करती थी तो घूमता था कैसे इतना अच्छा प्रोडक्ट बनता था, तब सोचते हम भी कि हम भी कुछ करें। तो दीदी लोग से पूछे, क्या दीदी हम लोग को भी काम मिलेगा यहाँ? तो दीदी बोले, हाँ कैसे नहीं। दिक्कत हुआ, हम यहाँ पर ट्रेनिंग दिए 1 महीना, हमको तो हाथ इसमें फ्री हो गया 15 दिन। तो हमको कटिंग तो आगे किया था, लेकिन हमको घिसने ज्वाइंट करने जैसे ये सब हो गया, हमको ज्वाइंट करना नहीं आता था यहाँ सब, तो वही 1 महीना ठीक है। पूछे हम घर में कि हम कुछ काम करें सो, तो बोले हाँ करो तुमको इच्छा है तो सो। जब मेरा घर में ज़्यादा काम होता था हम उसको घर भी ले जाते हैं, अभी तो फिलहाल सभी बना लेते हैं, बॉक्स, पेन बॉक्स, अथी वाला ये बुधा इंगर सब। ममता देवी आज अपने हाथों के इस हुनर से महीने में 3,000-4,000 रुपए तक की आमदनी कर लेती हैं, और कभी कभी उससे ज्यादा भी। इस आमदनी को वे अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करती हैं। इस हुनर ने उन्हें स्वयं कमाने की कला सिखा दी है, इससे वे स्वावलंबी बन गई हैं और अब थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपने पति के आगे हाथ नहीं फैलाती। हम महीना में अगर घर ले जाते हैं तो घर में मेरा काम होता है 3,000 या 3,500 इतना होता है, और यहाँ हम अगर डेली आते हैं तो 4,000 से पार भी कर जाते हैं कभी। हम बच्चे को अच्छा से पढ़ाई करवा देते हैं, कर लेते हैं, मैंने ट्यूशन फीस हो गया, स्कूल का फीस हो गया, और घर में कुछ तकलीफ होने से मेरा पास जो पैसा आता है उससे हम अथी कर लेते हैं। रामगढ़ जिले के गोला निवासी सदीको निशा ने भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं से प्रेरित होकर अपने आप को हस्तशिल्प के इस कार्य से जोड़ा है। इन्होंने यहाँ की महिलाओं से इसका प्रशिक्षण लेकर विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनाना सीखी हैं। आज वो इससे महीने में 4,000 रुपए तक की आमदनी कर लेती हैं। पहले भी तो हम घर में रहते थे तो कुछ नहीं किए थे, पढ़ाई किए थे, उसके बाद में फिर नहीं कुछ किए, जब पता चला इसे तो फिर वहाँ पे हम दीदी हम लोग को सिखाई उस 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर यहाँ आके सीखे।
काम से तो जुड़े हुए हैं, साल भर तो हो गया। दीदी हम लोग को दिलाई थी गोदाम में, उसके बाद हम फिर यहाँ दीदी सबका साथ में फिर यहाँ से हैं। उसी के बाद में गोदाम भी दीदी एक हम लोग को दिलाई, उसके बाद में दीदी बात किए फिर यहाँ तक आए। कि किसी का घर परिवार नहीं चल रहा है या मेरे कुछ ज़रूरत है तो घर में भाई से या मम्मी से मांग रहे हैं, तो मम्मी बोल रही नहीं है, अब मेरे पास रहेगा तो हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से गोसिया खातून भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस संस्था से जुड़ी और लकड़ियों की कलाकृतियां बनाने का हुनर सीखा। 10 दिनों के प्रशिक्षण में ही वो इस संस्था द्वारा प्रशिक्षक नियुक्त कर ली गई। पूरी पतरातू प्रखंड में ये आज महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दे रही हैं। हम लोग SSG के थ्रू से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा था, इसी पंचायत भवन में DC करवा रहे थे, उस समय हम ट्रेनिंग लिए 10 दिन का। उसी 10 दिनों में मैं 10 दिन का ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड हुई और उसमें मैं पास हो गई, सिलेक्ट की ट्रेनर के रूप में। बहुत जगह गई हूँ, पूरा पतरातू प्रखंड में घूमी हूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग हुआ हम ही की। गोसिया खातून जब इस कार्य से जुड़ने जा रही थी तब उनके परिवार वाले उनके इस कार्य से खुश नहीं थे। गोसिया खातून ने इसके बावजूद अपने आप को इस रोजगार से जोड़ा। आज वे इससे एक निश्चित आमदनी प्राप्त कर रही हैं तथा उसे अपने परिवार में खर्च भी कर रही हैं। घर से नहीं निकलना है, नहीं सब काम करना है, फालतू है ये सब करना। 2-3 हज़ार में का होगा, 2-3 हज़ार में घर थोड़े चलेगा, इस तरह का बात बोलते थे। लेकिन हम ना किसी का सुने, हम सिर्फ अपना सुने और बस हम काम किए और अभी तक लगे हुए हैं काम में। अब बढ़िया बोलते हैं कि बढ़िया है, बाहर घूमी, थोड़ा बाहर का हवा पानी लगा, बाहर का मतलब जानकारी मिला। जैसे कि अभी तो यहाँ पे लकड़ी का सिर्फ बात हो रहा था, फिर बाँस का भी हुआ, बाँस का छोटा छोटा टोकरी टाइप में ईस्ट पेन टाइप, ये सब बाँस का है, ये नया चीज़ है। मेरा हस्बैंड भी हमको खुद बोलते हैं कि चलो तेरा पैसा से कुछ काम या ईद का कपड़ा हो जाए। महिलाओं द्वारा स्वयं उनके हाथों से निर्मित लकड़ियों की ये छोटी छोटी कलाकृतियाँ अपने आप में अनूठी, अद्भुत और बेमिसाल हैं। अच्छा लगता है जैसे नया चीज़, लकड़ी का चीज मतलब बनाया हुआ चीज़ को हमको अच्छा लगता है। जैसे सिलाई मशीन ये सब तो अच्छी चीज़ हो गया, ये नया हुआ लकड़ी का चीज़, इसीलिए देखते हैं तो अच्छा लगता है कि लकड़ी से कुछ चीज़ नया चीज़ बनता है। इनके हाथों से निकलकर जब ये उत्पल पीपल ट्री के स्टॉल में सजती हैं तो पर्यटक स्वयं इसकी ओर खींचे चले आते हैं। इस संस्था द्वारा इनकी कलाकृतियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए पतरातू डैम, पतरातू घाटी, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट तथा रांची में कुल मिलाकर 5 स्टॉल खोले गए हैं। रांची में पेंडलम्स के कैंपस पे है, तो वहीं पे जो DC थे पहले आपका राजेश्वरी भी, जो अभी शायद मनरेगा की कमिश्नर हैं जी, तो उन्होंने सर वहाँ विजिट किए थे, वहाँ मॉल आए हुए थे तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं रामगढ़ की DC बनूंगी तो फिर मेरा यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो DC के पद पे बैठे तो सर सबसे पहले उन्होंने हमें बुलाया और सारी महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे हमें मिलवाए, और सर 8 हम उस समय लेके आए थे, सर और मैं आई थी, उत्पल सर जी आए थे, और सभी महिलाओं को जो है बहुत पसंद आया और उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया कि मैम हमें ये आर्ट यहाँ पे सीखना है, तो किसी भी तरह से हमारा जो ट्रेनिंग है वो करवाया गया। इससे इन महिलाओं तक तो उनकी आमदनी पहुँच ही रही है, साथ ही साथ इससे जुड़े दुकानदार भी इससे रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये सब मेरा आइटम बनता है बेंती मोड़ पंचायत भवन में, ये सब लोकल हैंडमेड है, सब महिला दीदी लोग बनाती है। यहाँ हम 4 साल से लगा रहे हैं, ये पीपल ट्री का है, डिमांड होता है, ये सब बाहर का टूरिस्ट लोग आता है, वे लोग ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं यहाँ। अभी तो सेल घट गया है, कम से कम
हज़ार 2000 रुपया हो जा रहा है। अभी सीजन में तो 3000-4000 हो जाता है। जो बना के रखते हैं वही ज़्यादा पसंद करता है, और जो अपना नेम प्लेट वगैरह ऑर्डर देता है उसका भी काम हो जाता है हम लोग के पास। जो घर में लगाता है नेम प्लेट वगैरह वो सब भी ऑर्डर में काम करते हैं हम लोग। इन कलाकृतियों से अभिभूत होकर इन जगहों पर आने वाले पर्यटक इन्हें खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उन्हें इनकी ये कलाकृतियाँ बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगती हैं, इसलिए वे खुशी से इनकी कीमत अदा करते हैं। फिर ये कलाकृतियाँ इनके घरों की शोभा भी बढ़ाती है। मॉल वगैरह में भी मिल जाता है, बट इन्होंने अभी बताया जस्ट कि एनजीओ में जाता है और बनाती हैं। इन्हें लेडीज है, लेडीज बनाती हैं, तो उनका भी जो भी है मेहनत और वो सब अच्छा भी हाँ अट्रैक्ट कर रहा है। और अच्छा तो दिख ही रहा है आप, मतलब बहुत सारे इसमें मुझे ये पसंद आया तो, और नोबल कॉज के लिए, तो इसलिए मैं नहीं, ट्रेडिशनल इज ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, तो ट्रेडिशनल तो हमेशा ही अट्रैक्ट करता है और घर में एज अ मोमेंटो भी रहेगा, मुझे हमेशा याद रहेगा मैं यहाँ से लिया है। तो कला और कलाकृतियाँ एक ओर कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, तो दूसरी तरफ रचनात्मकता के साथ साथ उनमें मानसिक संतोष भी पैदा करती हैं। कला की साधना करने वाले लोगों के हाथ कभी खाली नहीं रहते, इसमें इतनी संभावनाएं होती हैं कि ये हुनरमंदों को बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। आज रामगढ़ जिले के टालाटांड ग्राम की महिलाओं ने हस्तशिल्प के कार्य से अपने आप को जोड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। इससे वे हुनरमंद बनी ही हैं और आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता झारखंड।